बीजेपी के वरिष्ठ नेता विधायक बोगांव और रामनेश अग्नोत्री जी वोट डालने के लिए निकल रहे हैं, हमारे साथ हैं। किस तरह से देख रहे हैं सर, 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है, क्या माहौल नजर आ रहा है आप लोग? बहुत अच्छा मतदान हो रहा है और मैं सबसे यही अनुरोध करूंगा कि मतदान एक पवित्र कार्य है, इसे सभी से मेरा अनुरोध है, सभी लोग जो है भरपूर मतदान करें और भाजपा के पक्ष में एक लहर चल रही है, हमारे प्रत्याशी रघुराज सिंह साक हर हाल में विजयी होने वाले। लगातार सुबह से ट्वीट किए जा रहे हैं, सुबह से तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं के, चाहे वो रामगोपाल जी हो, शिवपाल जी हो, चाहे धर्मेंद्र यादव, लगातार लोग कह रहे हैं कि पूरी तरह से प्रशासन लोगों को वोट नहीं डालने दे रहा, एजेंट को बाहर निकाला जा रहा है, पूरी तरह से हाईजैक कर लिया बीजेपी ने सरकारी मशीनरी। ये तो एक रटा रटाया आरोप है, जो लोग हारते हुए दिखाई देते हैं वो फिर किस पे ठीकरा फोड़ा जाए इसका पहले से स्क्रिप्ट लिख लेते हैं, तो वो ये स्क्रिप्ट लिख रहे हैं हार के लिए, क्या सरकारी मशीनरी ने हरा दिया कि ईवीएम ने हरा दिया, हराएगी जनता, लेकिन पहले से ये स्क्रिप्ट तैयार की जा रही है। रात भर समाजवादी पार्टी के लोगों को उठा लिया गया है, लगातार पुलिस उनको धमका रही है, ये भी पैसा बांटेंगे, शराब बांटेंगे, वो तो पकड़े ही जाएंगे, उसमें कौन बात, चाहे हमारे हों चाहे उनके हों। शिवपाल जी कह रहे हैं कि पूरी तरह से प्रशासन रंगबाजी पर उतर रहे हैं। नहीं, वो गलत आरोप लगा रहे, प्रशासन निष्पक्ष है, अच्छा काम कर रहा है, पूरी तरह 5ों विधानसभा में सही वोट पड़ रहा है कमल का। हाँ, सही पड़ रहा है, कमल खेलने जा रहा है, क्या लग रहा है? खेलेगा, खेलेगा कमल। कुल मिला के रामनरेश अग्नोत्री हैं, पूर्व मंत्री रह चुके, उनका कहना है कि रटी रटाई स्क्रिप्ट है समाजवादी पार्टी की और इसी क्रम में ये तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि एक बार जनता ने मन बना लिया है कि इस बार मैनपुरी लोकसभा में कमल खिलेगा और यही वजह है कि ये बौखलाहट है, समाजवादी पार्टी की बौखलाहट है, इसलिए तमाम बयान दिए जा रहे हैं। मैनपुरी से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।